और कैसे हैं आप लोग? तो जेएसएससी में जीएस का पार्ट तो बहुत हो ही गया था, और कुछ पार्ट कुछ जो पार्ट बाकी है उसका हम लोग करेंगे ही। आज से जो क्लास है वो शुरू हो रहा है जेएसएससी मैथमेटिक्स का। तो बहुत ही यहाँ मुखर्जी नगर के दिल्ली के सर हैं, ये रांची में भी पढ़ा चुके हैं, इनको आइडिया है, झारखंड से इनका लगाव है, इसलिए सर को लाए हैं। एसके सिंह सर हैं। तो इसमें दो तीन चार बात महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात है कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है सर पढ़ाएंगे, पहली बात, क्लासेस पूरा, टेस्ट में भी ये अपना पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट सर लेंगे। और इसमें आपका 20 सवाल रहेगा मैथ्स में। आपको पता ही कि जेएसएससी में आपका विषय बोर्ड पे लिखे भी हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो जेएसएससी में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो जेएसएससी में आपका 20 सवाल है। तो 20 सवाल पीटी में भी आएगा और 20 सवाल मेन्स में भी आएगा। सर के साथ आप लोग चलिए और हमको उम्मीद है कि आप लोग 20 का 20 करेंगे। अभी तो क्लास आज लेंगे, पहली क्लास लेंगे, लेकिन बाकी जो क्लास अभी चलेगी तो आप लोग 20 से 20 सवाल के लिए। और देखिए अभी नेगेटिव माहौल है, चलने दीजिए, लेकिन ऐसा है कि दिसंबर के बाद कभी भी जेएसएससी का एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब जेएसएससी का एग्ज़ाम पीटी का होगा तो मेंस में टाइम कम मिलेगा आपको, तो मेंस में समय टाइम कम मिलेगा, इसलिए अभी से अच्छी अभी से ही पूरा कीजिए। तो आज शुरू कर रहे हैं मैथ्स का, और कुछ दिन में हम लोग क्लास शुरू कर देंगे कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का मैथ्स का क्लास साथ साथ चलेगा, ठीक है, जेएसएससी के लिए। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी मैथमेटिक्स। अब आज से एसके सिंह सर आपके क्लास जो है सो लेंगे, ठीक है ना सर? धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का, मैं एसके सिंह मुखर्जी नगर से जोहरा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, यह क्लास जेएसएससी के लिए चल रही है। इससे पहले कई बार रांची आना जाना हुआ है मेरा, जमशेदपुर में, चूँकि मेरे मामा वहीं पे रहते हैं, तो बड़ा एक नाता सा रहा है। और जैसे सर ने मुझसे कहा कि सर झारखंड के लिए क्लास चल रही है, तो स्वयं ही एक लगाव आप लोगों के साथ जुड़ गया, और इसी लगाव के साथ हम लोग इस क्लास को करेंगे। आप देखेंगे कि जीएसएससी में मैथ का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। 20 प्रश्न सर ने अभी बताया कि 20 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इस पर हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ है, हर एक चीज़ पर लगातार हमने मेहनत की हुई है। आज हम इसके सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिलेबस से बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पूरी क्लास का आनंद लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, और रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। हर एक क्लास आपको वन बाई वन मिलती चली जाएगी, तो किसी तरह से आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है, और हमारा पूरा विश्वास है कि अगर आप हर क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि एक बच्चे को सीधा क्लास में मिलता है। आगे फिर आने का भी उधर प्रोग्राम है, ऑफलाइन क्लास में भी हम आपके साथ में उपस्थित रहेंगे। तो आइए आज हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि जीएसएससी में मैथ की भूमिका क्या है, और हम किस तरह से मैथ के सिलेबस को देखेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम देखें यहां पर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं या शॉर्टकट में हम बोले हम मैथ्स की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वह 10th लेवल है, 10वीं स्तर का एग्जाम्स है, सबसे अच्छी बात यह है। और पेपर जो है वह कैसा है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और सबसे मजेदार बात क्या है, जो आप पढ़ेंगे प्री में वही चीज आपके काम आएगी मेंस में, यानी हमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक पंथ और दो काज हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि इसमें 10th लेवल का मैथ आता है, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो इसमें चीज आपको पढ़ना है, जहां से हम लोग शुरू करेंगे मैथ को, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम ऐसे देखें मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो सबसे पहला पार्ट आप यहां पर देखिए, सबसे पहला पार्ट जो है आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थमेटिक्स का। अर्थमेटिक्स यानी इसको हम लोग बोलते हैं अंक, गणित, पहला और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है।
सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अंकगणित की। इसमें कंप्लीट चीजों को हम लोग देखेंगे, पूरी बात करेंगे। दूसरा जो इसमें पार्ट आपको पढ़ना है, सेकंड पार्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेंसुरेशन का। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्षेत्र मिति। तीसरा चीज जो आपको पढ़ना है, थर्ड, वो आपको पढ़ना है बच्चों एलजेब्रा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। ठीक, चौथा जो हमें पढ़ना है बच्चों इसमें, वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, यानी हम इसको बोल सकते हैं त्रिकोण मिति। और पांचवी जो बात आपको, जो आखिरी बात आपको पढ़नी है यहां पर, वह पढ़ना है ज्योमेट्री, यानी इसको हम बोलते हैं ज्यामिति। यह पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। कुल 5 सेक्शन पढ़ना है जेएसएससी के लिए, झारखंड के लिए। आप देखेंगे कि यह एक बड़ा कॉमन सिलेबस है, और एक तरह से आप देखिएगा, मैं जेएसएससी से जोड़ता हूँ, जे को हटा दूँ, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो आप देखेंगे सिलेबस यही है। लेकिन झारखंड के क्वेश्चन का जो अपना लेवल, एग्जाम का लेवल है, हमें उस चीज़ को ध्यान में रख करके चीज़ों को करना है, और उसी के आधार पर आप एक बात समझिए, बेस जो है ना झारखंड, अगर आप आगे भी तैयारी करेंगे ना किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वह रास्ता यहीं से गुजर के जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़ा ही कॉमन सिलेबस होता है और ये आपको पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि मैथ तो हमने पहले से पढ़ा है, फिर मैथ पढ़ने की जरूरत क्या है? तो बच्चों केवल मैथ एक चीज़ के लिए पढ़ा जाता है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए, टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रख करके मैथ की क्लास की जाती है। तो आपको ये पूरी क्लास के दौरान हम दो तीन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। पहला हमारा ये रहता है कि हम अपने बच्चों को, आप सभी लोगों को, मैं इस तरीके से मैथ बताऊं कि जब आप एग्जाम में बैठें तो आप क्वेश्चन को सबसे जल्दी करें। पहला चीज़ ये रहता है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को क्या करें, तुरंत आप बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो तरीका आपको बताया जा रहा है वह तरीका एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रहे, कि हाँ ये बात जब आप क्वेश्चन को देखें तो तुरंत आपको वो चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। तीसरी बात, अगर कोई फार्मूला आता है तो उस फार्मूले के आधार पर, जिसकी उपयोगिता बहुत सारी जगहों पर हो, कहीं एक जगह पर नहीं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, फार्मूला वो जो हर जगह काम आए और जिसको हम क्या करें, मल्टी डायमेंशन यूज कर सकें। तो कई सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके पूरी क्लास आपके सामने लाई जाएगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ वास्तव में मैथ पढ़ना बहुत ही आसान था, बहुत ही मजेदार था। अब तक आपका मैथ से जैसा भी अनुभव रहा होगा, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आप देखेंगे कि मैथ में आप बहुत बेहतर हो चुके हैं, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जैसा कि पहले भी मैंने रांची में लगातार पढ़ाया है, मैंने देखा है, एक तो सबसे अच्छी बात झारखंड के बच्चों के साथ ये होती है कि आप लोग जो है रेगुलर चीज़ों को सुनते हैं और आप लोग मेहनती बहुत होते हैं। सबसे अच्छा जो चीज़ यहाँ पर मैं देखता हूँ बच्चों के साथ में, कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, बड़ा ही प्लस पॉइंट होता है। और यही चीज़ आप अगर लगातार अपने साथ रखें तो आप देखेंगे कि आपको सिलेक्शन मिलता है और मिला भी है। आइए इसी क्रम में आज हम लोग आगे बात करेंगे। हमने आपको अब तक ये बताया कि मैथ है जिसमें हम 20 क्वेश्चन के लिए, 20 क्वेश्चन के लिए आपके साथ बात करने वाले हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग जीएसएससी की बात कर रहे हैं। बच्चों आपने सिलेबस को देख लिया, इस सिलेबस में कुल मेनली 5 पार्ट है। आपने कहा पहला पार्ट अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट क्षेत्रमिति जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंसुरेशन, तीसरा पार्ट आपने कहा कि एलजेब्रा, चौथा पार्ट आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और पांचवा पार्ट हमारे पास ज्योमेट्री। यह पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अब पहले बात करते हैं अर्थमेटिक पर। तो आइए इस बात को हम समझते हैं, हम लोग बात करेंगे बच्चों अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक पर अंकगणित,
मैथ का वह सेक्शन है जिसकी उपयोगिता पांचों सेक्शन में पाई जाएगी, लेकिन अंकगणित का अपना एक बहुत विशाल क्राइटेरिया है, आप इसको ध्यान से देखें। अंकगणित पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा और अंकगणित के अपने सिलेबस को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर आप अंकगणित पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों प्रतिशत, प्रतिशत। पहला टॉपिक आपका है परसेंटेज का। दूसरा बच्चों टॉपिक इसमें आता है, सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है पी एंड एल, पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक, लाभ और हानि, ठीक। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है, थर्ड जो आपको टॉपिक पढ़ना है, वह टॉपिक आपको पढ़ना है रेशियो का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनुपात, अनुपात। पूरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना है रेशियो के बाद, उस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर का, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है बच्चों मिश्रण, मिश्रण। पांचवा जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसे मिश्रण के बाद, वह पढ़ना है एज का, एज का मतलब होता है आयु। छठा जो टॉपिक आपको पढ़ना है एज के बाद, वह टॉपिक आपको पढ़ना है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, साझेदारी, ठीक। सातवां टॉपिक जो आपको पढ़ना है पार्टनरशिप के बाद, आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत। आठवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह पढ़ना है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं कार्य और, कार्य और समय। नौवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है, नौवां जो टॉपिक पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको पाइप एंड सिस्टर्न का, सिस्टर्न का। इसको हम बोलते हैं पाइप और, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। दसवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसको हम बोल सकते हैं समय और, समय और, समय और दूरी, समय और दूरी। ये मैं सिलेबस आपके सामने नोट करवा रहा हूं, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ग्यारहवां जो टॉपिक है आप यहां पर देख सकते हैं, ग्यारहवां जो टॉपिक हमारे पास है इसमें है ट्रेन पढ़ना है आपको, ट्रेन, ट्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बारहवां जो टॉपिक बच्चों हमको पढ़ना है ट्रेन के बाद, वो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाव और, नाव और धारा, नाव और धारा, ठीक। ग्यारहवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट का। बारहवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक। इसके आगे आप देखिएगा, तेरहवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है, थर्टीन नंबर जो टॉपिक आपका है, वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का। चौदह नंबर पर जो टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। पंद्रह नंबर पर जो आपको टॉपिक पढ़ना है
वो पढ़ना है, सर्स एंड इंडिसेस, इंडिसेस इसको हम बोलते हैं घातांक एवं कर्णी। इसके बाद बच्चों 16 नंबर जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है रूट का, जिसमें हम वर्गमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात करेंगे। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वर्गमूल, स्क्वायर रूट और घनमूल की बात करेंगे। घनमूल की बात करेंगे, इसमें दो चीजें हैं, स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है। 17 नंबर पर जो टॉपिक है बच्चों आपका, वह टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का। इसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण, सरलीकरण। 18 नंबर जो टॉपिक है, 18 नंबर पर जो टॉपिक आपका है, वो पढ़ना है आपको HCF एंड LCM का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मस और लस। ठीक, कुल 18 टॉपिक अर्थमेटिक पूरा फैला हुआ है। यह 18 टॉपिक केवल अर्थमेटिक के लिए नहीं है, यह 18 टॉपिक अर्थमेटिक अन्य आने वाले सभी सेक्शन में पूरी तरह से काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार अगर हम अर्थमेटिक की पकड़ बना लेते हैं तो आगे सभी सेक्शन में हम क्या करेंगे, काफी हद तक लगभग 40-50% तक हमारा काम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मूल जो है ना वो अर्थमेटिक है। तो हमने यहां पर आपको बताया कि यह हमारे पास कुल 18 टॉपिक है, मैंने आपको दिखाया, आप जरा ध्यान से देखिए। हम शुरू से इस पर बात करते हैं, हर टॉपिक को मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है, उसके सब सेक्शन को हमने भी लिखा है, हर चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। झारखंड को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान रखिए, हमने पूरे सिलेबस को यहाँ पर आपके सामने लिखा है। अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो हमें इन 18 पॉइंट पर बात करना पड़ेगा, और इन 18 पॉइंट को अगर हम लोग ठीक से कवर कर लेते हैं तो हमने पूरे अर्थमेटिक को ठीक से कवर कर लिया। तो आप एक चीज देखिए, जैसे ही आप एक बात देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज और परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस, यह दोनों ही लिंक टॉपिक हैं। तो हमने सिलेबस को इस क्रम में लिखा है जिससे कि आपको एक दूसरे से बिल्कुल ही लिंक टॉपिक पढ़ने में समझदारी हो। जब आप परसेंटेज पढ़ लेंगे ना तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, पूरा का पूरा परसेंटेज क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसी तरह से अगर आप रेशियो में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा यही परसेंटेज रेशियो में भी यूज होगा, और रेशियो, मिक्सचर, इसके बाद एज, पार्टनरशिप, एवरेज, ये आगे के जो 5 टॉपिक हैं, देखिए ये 7 के 2 टॉपिक, लेकिन ये 7 के कितने 5 टॉपिक, ये आगे एक साथ ये 5 टॉपिक है, जो एक साथ ये 5 के 5 टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो हमने इसी क्रम में रखा, जैसे आप रेशियो पढ़ोगे ना तो रेशियो पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, आपने रेशियो पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, एज पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, तो ये 5 चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो उसमें हर जगह पर रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो इसी क्रम में हमने सिलेबस को रखा है जिससे आपको ये चीजें पूरी अच्छे समझ में आए। आप यहां पर देखो, जैसे परसेंटेज पढ़ते हो ना तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आप देखना कि प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज की समझ बेहतर हो जाती है तो उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से रेशियो पढ़ने के बाद हम इन 5 टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा आप आगे और चलिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर देखते हैं टाइम एंड वर्क की बात, तो ये 2 सेक्शन ना एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं ना तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न, यह दोनों टॉपिक एक साथ काम करता है, और जैसे ही आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो आप 90% पाइप एंड सिस्टर्न को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे के ये कंप्लीमेंट्री हैं, तो यह अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते ही, पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस के साथ 3 टॉपिक चलता है, एक तो खुद टाइम एंड डिस्टेंस का चलता है, उसके बाद ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम का, इसका मतलब यह प्लस 2 टॉपिक है, लेकिन ये जो एक साथ चलेंगे ये प्लस 3 टॉपिक हैं।
मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो यह क्या होता है कि मैथ में सबसे अच्छी बात क्या है, ये ग्रुप ऑफ टॉपिक के रूप में हम चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के साथ आगे के टॉपिक भी अच्छे से समझ में आते चले जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हम टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम को भी पढ़ेंगे। ऐसे ही जब देखिए इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम दोनों इंटरेस्टों को, इन दो टॉपिक को हम एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, इसको हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यह दोनों टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे मैथ का जो सिलेबस है वो बड़ा सिस्टमेटिक है और हमें उसी सिस्टमेटिक को ध्यान रख के पढ़ना है, हमें झारखंड को ध्यान रख के पढ़ना है, हमें JSSC को ध्यान रख करके पढ़ना है। और इसी तरह से हम अगर एक एक चीज़ को जो एग्जाम में इसमें जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अगर हम उन चीज़ों को इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो आप देखिएगा कि मैथ ऑटोमेटिक, मतलब थोड़ा सा केवल क्लास की बात सुन करके और इन चीज़ों को जो प्रैक्टिस कराया जाएगा उसको आप करके, आप देखेंगे कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी बच्चा रेगुलर रूप से क्लास को करेगा तो बहुत कम समय में इन सारे 20 के, मैं बता रहा हूँ मैथ एक ऐसा विषय है जिस पे हम दावा कर सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई हम 20 में से 19 क्वेश्चन नहीं, 20 में से 20 क्वेश्चन क्लास में से ही देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम 20 के 20 क्वेश्चन आपके पास पहुंचाएंगे, इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं। बस एक शर्त लागू होती है कि आप किसी भी लेक्चर को मिस मत करिएगा, आप हर चीज़ को जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से करने का प्रयास करिएगा। आप बुक के सोल्यूशन को छोड़ दीजिएगा, आप बुक के सोल्यूशन में मत जाइएगा, जो लेटेस्ट अपडेट तरीका है उस तरीके पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और उस तरीके से आप उसको करने का प्रयास करिएगा। बस एक शर्त यही है कि जो कहा जाए आपको वह आप करें, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमने इसके बाद जो आपको दिया है आप देखिएगा, ये हमने आपको बताया और यहीं पर इसके बाद जैसे अभी अगला सेक्शन है बेसिकली यह ना, इसको हम लोग बेसिक हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक, ये पूरा बेसिक है भाई, ये जितने भी टॉपिक है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा ये बिल्कुल बेसिक होता है, यह बिल्कुल बेसिक होता है जिसमें नंबर सिस्टम के अपने क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, सर्ड इंसेस के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और SCF और LCM के क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, हमने पूरे के पूरे आपके 18 सेक्शन को लिया है और हर सेक्शन पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से जब आप इन क्लास को करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा यह पूरा एक कंप्लीट सिलेबस था और यह पूरा सिलेबस जो है अर्थमेटिक का है जिसको हमने यहाँ पर देखा है। बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। जब हम कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ चुके होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक पढ़ चुके होंगे, जैसे चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, जरा आप इस बात को समझिए। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ, आप देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपसे कहा गया किसी संख्या का, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, किसी संख्या का, एकदम बहुत कॉमन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, परसेंटेज से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी संख्या का 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान, कि संख्या के 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान 120 है, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं, ज्ञात करें, इसमें मैं ना कई क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, संख्या का 40%। दूसरा क्वेश्चन, वह संख्या, ठीक। मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाएंगे? यक्ष मान के नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यक्ष मान के नहीं बनाना है, तब कैसे बनाएंगे आइए बताता हूं। अभी क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यहीं से थोड़ा सा आइडिया मैं दे पाऊंगा। जैसे कहा गया किसी संख्या के 33 से 1/3 प्रतिशत का मान 120 है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पहले चीज ये पता होना चाहिए कि 33 से 1/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/3, क्या होता है 1/3 होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए।
इसके लिए हमने पूरा एक टेबल बना करके आपको वीडियो में मैं दूंगा, और उसके माध्यम से आप हर फ्रैक्शन को याद करिएगा। फिलहाल मैं बताता हूं कि अगर आपको 33 1/3 है तो उसको आप कैसे 1/3 करेंगे। तो बहुत आसान सी बात होती है, जरा इसको साइड में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे सामने ये लिखा गया है कि 33 1/3%, तो बेसिकली ना इसको हम लोग ऐसे, अगर डायरेक्ट आपको याद है 1/3 तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इसको ऐसे लिखा जाता है 33 × 1, यानी आप इसको लिख सकते हैं 33 × 3 99 + 1, आप इसको लिखते हैं 100/3%। लेकिन जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो आप इसको ये भी कहते हैं कि 100/3 और नीचे की तरफ 100 आ जाएगा। तो आप ये कहते हैं बच्चों कि ये 100 से 100 कट जाता है और इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/3। यह बेसिक सी बात है कि अगर कभी भी परसेंटेज का सिंबल जाता है तो वह नीचे की तरफ 100 देके जाता है। मेरी बात आप, क्योंकि परसेंटेज किस में कैलकुलेट किया जाता है, 100 में कैलकुलेट किया जाता है। तो 33 1/3% का मतलब अगर 1/3 जानते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कितनी सुविधा होती है, मैं बताता हूं। जैसे 33 1/3% आप जानते हैं तो इसमें दो चीज है, एक तो ये है कि जो इसके नीचे जो इसका आप देख सकते हैं हर, इसका क्या है, ये हर है, और ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। जो इसका हर होता है ना, ये ध्यान रखना, इसका हर कुल को बताता है, टोटल को बताता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो अंश होता है ना, वह वर्तमान वैल्यू को बताता है। अब आप देखें, आपके मैथ पढ़ने का नजरिया यहाँ से बदलेगा जब हम किसी फ्रैक्शन के साथ चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/3, तो 1/3 में जो ऊपर की जो वैल्यू 1 है वह किसको बता रही है, वह बता रही है अंश को, और अंश मतलब वर्तमान वैल्यू, और हर मतलब टोटल वैल्यू। तो आप एक चीज देखिएगा, यह बता रहा है कि अगर वर्तमान में किसी चीज को हम एक समझते हैं तो उस चीज का टोटल कितना है, 3 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और अब देखिए, अगर जो भी बच्चा इस चीज को देख सकता है तो उसके लिए बड़ा आसान है। तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 और मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया बताओ, 360 आया कि नहीं आया। पहले आप इस बात को समझो, मुझे लगता है जब मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं, जब मेरे दिमाग में 33 1/3% की वैल्यू पता है कि यह 120 होता है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि यह 1/3 वैल्यू है। 1/3 अगर 120 है तो इसका मतलब वह पूरी वैल्यू क्या है, 360 है। यहां पर ना तो मैंने कोई x माना, ना तो मैंने कोई किसी तरह का कैलकुलेशन किया। इस चीज को मैं अभी लिख के समझा रहा हूं, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इसको ब्रेन कैलकुलेशन से तुरंत ये बता पाएंगे कि इसका जो टोटल जो वैल्यू होगा कितना होगा, वह 360 होगा। अगर हमसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि वह संख्या क्या है, वह संख्या का मतलब टोटल वैल्यू, और हमारा आंसर कितना है, 360। आप देख रहे हैं। दूसरा चीज जब ये पूछा जाता है कि संख्या का 40% क्या होगा, तो बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 40% किसको बोलते हैं, 40% का मतलब होता है 2/5। आप इस बात को समझ लीजिएगा, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर हम टोटल चीज को 5 पार्ट में देखें तो हमें 2 पार्ट की वैल्यू बतानी है। यानी जिस चीज को आप 360 समझ रहे हैं, अगर मैं उसको उसमें 5 से भाग दे दूं तो मुझे 1 पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, और निश्चित रूप से अगर आप उसको 5 से भाग देंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू 72 आ जाएगी। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। तो बड़े आराम से देखो, मैं बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को मन में करके आपको बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूं, और मन में करके हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते थे। मैंने क्या बताया, हमने कहा हम अगर 40% को देखें, अच्छा 40% को देख लो, इधर साइड में 40% हटेगा नीचे क्या आएगा, हाँ 100 आएगा। जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। अब इसको सॉल्व कर लो, मुझे लगता है देखो यहाँ से 0 0 कटा देना और कट जाएगा, 2/5 आया कि नहीं। तो ये सब फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम लोग इसको बकायदा टेबल बना के इसको याद करने वाले हैं। हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आप देख सकते हैं कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/5 क्या कहता है, अगर कुल 5 है तो हमें 2 चाहिए, यानी अगर हमारे पास कुल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 360। 360 किसको शो कर रहा है, 360 शो कर रहा है 5 हिस्से को। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो 5 से भाग दीजिएगा, 1 हिस्से की वैल्यू 72 आ जाएगी, तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें 40% निकालना है और वह संख्या 360 है, तो 360 का 40% निकालना है, 360 का जो 40% होगा, 360 का 2/5 होगा, और 2/5 को अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
पाँच से कट जाएगा दो बार में, और आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 36 × 4 दैट इज इक्वल टू 144। इस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। आपने देखा कि जब हम, अच्छा इसमें हमने कहीं भी अक्सर नहीं माना, समझ रहे हैं? तो यह एक मैंने बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन समझिए एकदम लिया, लेकिन यहां से आपके क्वेश्चन को करने के तरीके को समझने में मदद मिली होगी कि किस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कितनी गहराई तक हमको क्वेश्चन को पकड़ के समझना है, मैथ के सेंस को समझना है, मैथ क्या कहना चाहता है इस बात को समझना है। जब आप मैथ की इस बात को समझते हैं और इसको कंपटीशन परीक्षा से जीएसएससी से लिंक करके एग्जाम के प्रश्नों को जब आप हल करते हैं, तब जा करके आप यह दावा के साथ कह सकते हैं कि यह जो 20 मार्क है यह मेरा 20 मार्क है। और मैं आपको बता दूं, मैथ जैसे विषय में हम एक भी अंक को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें पूरा अंक लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसके माध्यम से मैंने इसके दो पार्ट करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, यहीं पर देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 200 रुपए में 1 किलो चीनी कम प्राप्त करता है, 1 केजी चीनी कम प्राप्त करता है। ठीक, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से बनता है चीनी का वर्तमान मूल्य पर केजी, और दूसरा बनता है बच्चों चीनी का पुराना मूल्य और यह आपको बताना है पर केजी के हिसाब से। पर केजी मतलब 1 केजी का मूल्य कितना है, यह भी आपको बताना है पर केजी के हिसाब से। एक छोटा सा क्वेश्चन ना मैंने आपके सामने लिखा है, और इस क्वेश्चन पर मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अर्थमेटिक को पढ़ना कैसे है, बीच बीच में क्वेश्चन लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम एक क्रम में पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा आनंद मिलने वाला है, बट रेंडमली क्वेश्चन लिया गया और उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप में से कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले कभी पढ़ा होगा या मेहनत किया होगा इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे होंगे या बनाया होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे बना सकते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक, लेकिन हमने क्या कहा, हम उस तरीके को लेकर चलेंगे जिसमें सबसे ईजी हो, सबसे बेहतर हो, ठीक, जल्दी हो, और किसी भी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में वो चीजें काम करें। सबसे पहली बात, चीनी के मूल्य में आप यहां पर देखिएगा एक चीज, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, यानी जो भी रेट चल रहा है उसमें कितने की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। एक व्यक्ति 200 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी क्रम प्राप्त करता है। सबसे अच्छी बात यह थी, मैं ये कहता हूं कि आप ऐसे समझो, अगर 200 रुपए आप लेके जा रहे थे पहले और 200 रुपए अब भी लेके जा रहे हैं, दोनों हाल में आपके पास 200 रुपए ही है, तो आपको 1 किलोग्राम चीनी इसलिए कम दिया गया क्योंकि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण। यहां पर बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब चीनी का मूल्य कम होगा तो यहां पर जो आपको चीनी मिलेगी वह कम नहीं मिलेगी, वह अधिक मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना है। ये उल्टा क्वेश्चन चलता है,
अगर मूल्य कम हो गया तो आपको चीज अधिक मिलेगी, और मूल्य अधिक हो गया तो आपको वह वस्तु कम मिलेगी। प्रश्न में यहां पर यह बात बोलना चाहिए कि अगर 20% कमी हो गया, रेट 20% कम हुआ, यानी आप 200 रुपया लेके गए हैं लेकिन रेट कम है और वह आपको उसी पैसे में 1 किलो ज्यादा चीनी देके भेज देता है, तो आप इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल आराम से सोचिए और देखिए कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बात समझ में ये आया कि ठीक है, मैं 200 रुपया अगर लेके जा रहा हूँ और अगर मूल्य में 20% की कमी है, तो अगर मैं 20% पैसा कम लेके जाता तो क्या होता, 20% पैसा कम लेके जाता तो क्या होता, तो मैं बता दूं तो यही होता कि जो यह 1 किलो चीनी तुमको अधिक मिल रहा है वो नहीं मिलता। समझो इस बात को, किसी भी चीज की रेट में जितने परसेंट की कमी हो गई आप उतना कम पैसा लेके जाओ, आप उतनी वस्तु लेके आओ। समझ रहे हो, इस लॉजिक को समझो, इस क्वेश्चन में पहले लॉजिक को समझो, क्वेश्चन बनाने की होड़े मत जाओ, आप इस लॉजिक को निकालो कि ठीक है आपने कहा कि 20% कम ना, तो ये अपनी तरफ से आप लॉजिक जनरेट करो कि अगर आपके पास 20% पैसा कम है, आप 20% पैसा कम लेके गए हो तो क्या होता, तो उतना ही मिलता है जितना आप मिल रहा है, और 200 का आप निकालिए 20% होता है कितना है। तो देखिए इसके लिए मैं फ्रैक्शन भी यूज कर सकता हूं, जैसे मैं ये भी कर सकता था कि 20% का 20% को बोलते हैं 1/5 और हम 200 को 500 से भाग देते हैं और 40 आ जाता। मेरी बात को समझिए, मैं इस चीज को फ्रैक्शन से बना सकता था, लेकिन इस बार मैं फ्रैक्शन वाले टेक्निक से भी आसान टेक्निक यूज करूंगा, क्योंकि जब मेरे पास डाटा 10% 20% 30% जैसा कोई डाटा आता है तो मैं फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को भी रोकता हूं। समझो इस चीज को, आप इस बात को देखो, क्वेश्चन बनाने के तरीके को आपको बेहतर करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, देखो अब इस बात को समझो, क्योंकि अभी 200 के 20% की बात है, तो आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वहां पर 33 से 1/3% था, 1/3 यूज किया था। मैं कह रहा हूं अब मैं उस तरीके को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं 20% लिखता हूं तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी टोटल 5 की वैल्यू है, मुझे 1 की वैल्यू निकालनी होगी जो कि 40 के बराबर होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे भी आसान एक लॉजिक है जिसको आपको समझना चाहिए, वो लॉजिक ये है, किसी भी संख्या का अगर 10% आपको निकालना है, किसी भी संख्या का अगर 10% आपको निकालना है तो उसके लिए दी गए वैल्यू का अंतिम अंक छुपा लो। कोई भी संख्या हो, कोई वैल्यू हो, अगर उसका 10% निकालना है तो उसका 1 0 हटा दो। जैसे आप ऐसे समझो, सपोज करो मेरे पास 200 है और 200 का मैं 10% निकालूंगा तो 1 0 छुपा लूंगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास 700 रुपए है, मैं कह रहा हूं 700 का 10% निकालना है तो ये लास्ट वाला 0 कट कर दो, कितना आ जाएगा 10%, 70। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए सिर्फ 1 0 हटाना होता है, अगर 0 नहीं हो संख्या में तो लास्ट के अंक पर 1 दशमलव लगाना होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप इस बात को समझिए, जैसे आप कहेंगे सर ऐसा होता 555 होता और 555 का अगर 10% निकालना होता तो यहाँ पे तो 0 है ही नहीं। तो देखो बच्चे, आप ऐसे कहते कि ठीक है अगर ये नहीं है तो मैं यहाँ पे 10 दशमलव लगा दूंगा, तो इसका मतलब 555 का 10% 55.5 हो जाएगा। तो यह एक ना कॉमन सी लॉजिक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 10, 20, 30 होगा तो मैं इस लॉजिक को क्यों नहीं यूज करूँ। तो देखो यही चीज मुझे निकालने में थोड़ा और यहाँ पे मजा आएगा। फिर मैं जानते हो क्या कहूंगा, फिर मैं ये कहूंगा कि अगर ये 200 है और 200 का मुझे कितना निकालना है, 20% निकालना है, तो मैं कहूंगा 200 का 10% कितना होता है, आप कहेंगे 20, तो मैं कहूंगा 20% कितना होगा, आप कहेंगे इसका डबल, तो कितना हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेशन को देखते हैं, देखिए देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा, और वो तभी बदल सकते हैं जब आपको बेहतर तरीके से हर अप्रोच के साथ चीज़ों को सिखाई जाए। और हमारा प्रयास यही है कि हम आपको ना हर एक क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों और कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर कर दें कि केवल क्वेश्चन ही आप ना बनाएं बल्कि आपके कैलकुलेशन की प्रक्रिया सबसे बेहतर हो। अच्छा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपने तुरंत कहा कि इसका 10% 20 यानी 20% 40, यानी 40 रुपया अगर हम कम ले जाते तो वह 1 किलो चीनी नहीं मिलती, तो इसका मतलब 40 रुपये में 1 केजी ही है, तो 1 केजी का रेट कितना हो गया, 40। देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और ये कौन सा मूल्य होगा, यह वर्तमान मूल्य होगा, तो वर्तमान मूल्य हमारा कितना आ गया, 40 रुपये पर केजी। मान लो सपोज करो कि अगर यहाँ पर 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती तो ये 40 रुपया जो हमारा बचता है, इसमें 2 किलो होता तो 40 को हम 2 से भाग देते तो 1 किलो का रेट क्या आ जाता, 20। तो ये देखना पड़ेगा कि यह कितनी चीनी अधिक की बात करता है, इतने पैसे में यह जो तुम्हारा पैसा बच गया होगा इसी पैसे में दुकानदार तुमको चीनी देने की बात कर रहा है,
और वह एक किलो चीनी दे रहा है। समझ रहे हो, जब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हो ना तो आप देखेंगे कहीं यक्ष मायने नहीं मानना होता है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता। जो लोग पहले पढ़े होंगे आप देखिए, आपने जो पढ़ा और जो हम बता रहे हैं उन दोनों के मैनर्स में कितना अंतर है, यही बात हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन रीड करनी है, मार्क करनी है, समझनी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बुक में आप देखिए पूरा लंबा सोल्यूशन दिया हुआ है, नेट पे आप क्वेश्चन को डाल देखिए पूरा लंबा सोल्यूशन दिया है। हमें ये बात देखना है कि हम इस क्वेश्चन में कैसे बेहतर तरीके से जा सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इसका रेट क्या हो जाएगा, 40 रुपीज पर केजी। दूसरी बात ये पूछा गया था इसमें कि आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में पुराना मूल्य क्या होगा। तो पुराना मूल्य आप कैसे पता करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुराना मूल्य यानी ओल्ड प्राइस, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको समझिए। यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आइए देखते हैं क्या समझना है। देखिए अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, रेट चीनी का कितना हो गया 40, 40 में 200 रुपए में आप जो है कितनी चीनी लाए होंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। 200 रुपए में 40 रुपए किलो चीनी है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमने 5 किलो चीनी खरीदा वर्तमान समय में, और वो 5 किलो चीनी अभी दे रहा है तो पहले कितना चीनी दिया होगा, 4 किलो। मेरी बात समझ, क्योंकि अभी क्या मिल रहा है, 1 किलो अधिक मिल रहा है। लॉजिक को पकड़ के चलना, रेट पता चल चुका है, वर्तमान मूल्य कितना है 40 रुपए पर केजी। समझ में आया कैसे आया, क्योंकि हमने इसका 20% निकाला 40, 40 की जगह पे 1 केजी, तो रेट क्या हो गया 40 रुपए पर केजी। अब हम पुराने मूल्य की तरफ जाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि 200 रुपए में अब उसने 5 केजी, अब की बात हो रही है, अब उसने जो है कितना 40 रुपए, अगर मैं 200 को यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मैं 200 को यहाँ पर 40 से भाग देता हूँ तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये 0-0 कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 से कटाने के बाद 5। तो आप कह सकते हैं कि 5 केजी चीनी जो है अब हमें मिला है। तो मैं पूछूंगा पहले कितनी चीनी मिलती होगी, तो आप बोलेंगे सर अभी तो 1 किलो अधिक दे रहा है, यानी पहले हमें कितना चीनी मिलता होगा 4 केजी। और पैसा कितना आप पहले लेके जाते थे, आप बोलेंगे सर 200 ही लेके जाते थे, तो 200 को 4 से भाग दे देना तो कितना आ जाएगा, बड़े आराम से देख सकते हो। तो आप बता सकते हो 50 रुपए पर केजी, मेरी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा इसमें ना एक लॉजिक मैं और आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर 20% कम होती है तो उस कंटेंट में उसके पैरेलल वैल्यू को 25% अधिक किया जाता है। मेरी बात को समझिएगा, इसमें एक दूसरी बात और भी है, जो परसेंटेज जब आप पढ़ लेंगे ठीक से, जब उसमें हम अधिक और कम के रिलेशन को आपको समझाएंगे तो उससे भी इस क्वेश्चन को बता सकते थे। आप इस बात को देखिएगा, उसमें यह लॉजिक चलता है कि अगर आप किसी भी चीज को 20% कम करते हैं तो सामने वाली चीज में इस बात को ध्यान रखिएगा 25% की वृद्धि हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को अगर मैं क्या करता हूँ 20% कम करता हूँ तो सामने क्या हो जाता है, वो 25% वृद्धि को शो करता है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ 1 केजी तो वह 25% की वैल्यू है, तो 1 केजी अगर 25% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू 4 केजी हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि 200 रुपए में 4 केजी लेके आता हूँ तो आप बता सकते हैं कि मेरा वह चीज कितने का पड़ेगा, 50 रुपए पर केजी। लेकिन बच्चों यह तब संभव है जब मैं आपको सिस्टमेटिक पढ़ाऊँ और एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको सही तरीके से हर बात को बताता चलूँ और आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते चले जाएं, तब आपको इन क्वेश्चनों को बनाने में ना बहुत मजा आने वाला है। इस बात को समझिएगा, ये तो हमने बीच में से रैंडमली उठा लिया ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीचर आपके सामने आए हैं उनकी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा और आपका तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, और हमें इसको और बेहतर बैठाना है। इस बात को समझिएगा, तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लेके भी आपको बताया, एग्जाम्पल लेके बताया, पूरे सिलेबस की परिचर्चाएं भी की आपके साथ में। आइए अब मैं आपको अन्य सेक्शन में जो बचा हुआ सेक्शन उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र आपको नज़र से बता देता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं। अब आगे जरा देखिएगा, यहाँ तक आपने देखा, अब हम चलते हैं, ठीक है ये सब पढ़ेंगे क्लास में, तो क्लास की बात करेंगे थोड़ी सी। आज हम लोग जो है सिलेबस पर केवल बात कर लेते हैं, सिलेबस एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं। तो अगला जो सेक्शन इसमें आता है ना बच्चे, हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास कुल 5 सेक्शन है, जिसमें अर्थमेटिक है, मेंसुरेशन है, एल्जेब्रा है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है और जियोमेट्री का सेक्शन है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है इसमें कुल 2 पार्ट होते हैं, इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। पहले सेक्शन में हम लोग
2D फिगर की बात करेंगे, 2D फिगर की बात करते हैं, और दूसरे फिगर दूसरे पार्ट में हम लोग यहां पर बात करते हैं 3D फिगर की बात करते हैं, 3D फिगर की बात करते हैं। और ये दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है, 2D फिगर और 3D फिगर, ये दोनों ही सेक्शन हमें पढ़ के जाना है और हम इसको पढ़ेंगे। आइए मैं बताता हूं कि 2D फिगर में किन किन आकृतियों पर हम लोग बात करेंगे, आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम 2D फिगर की बात करते हैं तो 2D फिगर में सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है, आप देखेंगे ट्राइंगल, दूसरा आपको पढ़ना है बच्चों ट्राइंगल के बाद आपको पढ़ना है, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज। दूसरा जिस चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। तीसरा जो चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। चौथा जो चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। बेसिकली ये चार सेक्शन आपको पढ़ने हैं, बल्कि एक ट्रायंगल के साथ में और आप देख लीजिएगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। हाँ, ये चार सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद तीन अलग सेक्शन हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का। इन आकृतियों के बारे में पढ़ना है, इनसे पूछे गए प्रश्नों को हमें समझना है और पढ़ना है। तो यह मेनली इसमें कुल यही चार सेक्शन आते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ 3D फिगर में क्या क्या है। बच्चों अगर हम 3D फिगर की बात करें तो इसमें देखिएगा वहां पर रेक्टेंगल है ना, तो यहां पर उसकी जगह पर ले लेता है क्यूबॉयड, यहां पर क्यूबॉयड हो जाता है, क्यूबॉयड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ, यहां पर आपको घनाभ के बारे में बात करना है। दूसरा चीज इसमें हो जाता है बच्चों क्यूब, क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब घन होता है। इसके बाद बच्चों यहां पर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना स्पीयर, स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है, स्पीयर का मतलब होता है गोला, यहां पर आपको गोला के बारे में बात करना। इसके अलावा मैं और बता देता हूं इसमें और भी कुछ फिगर है जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सिलेंडर के बारे में बात करना है, सिलेंडर का मतलब यहां पर होता है बेलन, और एक आकृति इसमें आपको पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन, ठीक, कोन का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं कोन, कोन का मतलब होता है शंकु, आपको पढ़ना है यहां पर शंकु, शंकु के बारे में आपको बात करना है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसमें स्पीयर के साथ सेमी स्पीयर का भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेमी स्पीयर का भी है, स्पीयर एंड सेमी स्पीयर दोनों चीज पढ़ेंगे, गोला और अर्धगोला दोनों पढ़ेंगे। यहां पर इन आकृतियों में इनके फिगर, इनसे जुड़े हुए प्रश्न, इनके सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम तक, क्योंकि आप देखेंगे जब 3D फिगर की बात करेंगे तो इसमें वॉल्यूम की बात की जाएगी और यहां पर हम केवल इनके सरफेस एरिया तक बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। यह बड़े मजेदार होते हैं और इसमें बड़ा ही अच्छा होता है, केवल फार्मूला बेस होता है, एक बार आपको फार्मूला बताया जाएगा आप फार्मूले को याद करें और उस फार्मूले के बिहेव पर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए, आपने देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पर बता दिया कि यह हमारे मेंसुरेशन का सिलेबस है और इस तरह से आपने इस चीज़ों को देखा। मैं इस पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप जरा देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसको देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और वह क्वेश्चन हमें देखना चाहिए। आइए हम इस चीज़ को देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है तो बताएं। अब इसमें ना मैं कई क्वेश्चन एक साथ आपको दूंगा, तो बताएं निम्न में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
या निम्न में क्या प्रभाव होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। जरा ध्यान से आप इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट भी आपके ब्रेन में डेवलप हो जाएगा। अब इसमें देखिए, पहला जो इसमें एक क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है, वो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके व्यास में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें पूछा है इसके परिधि में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकमफेरेंस। तीसरा जो क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है इसके एरिया, एरिया का हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में। आप एक चीज देखिएगा, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी हैं। अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करते हैं तो उस अवस्था में बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, और फिर ये क्वेश्चन समझने के साथ आप मेंसुरेशन में इस तरह के परसेंटेज चेंज वाले सारे क्वेश्चन को समझिएगा, बस उसके फार्मूले के साथ एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले बात आपसे पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई रेडियस क्या चीज है, त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर त्रिज्या के बारे में हम इतना जानते हैं कि इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या होता है, एक निश्चित डिस्टेंस है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से यह एक दूरी ले जाती है, और यह दूरी, यह सेंटर हो गया और यहाँ एक पॉइंट हो गया पी, मान लीजिए हम इसको ओपी से दिखाते हैं। यह ओपी की जो दूरी है, एक लीनियर डिस्टेंस है, यह जो दूरी है इसको हम लोग आर बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन जैसे मैं पूछता हूँ कि ठीक है अब आप व्यास के बारे में क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं इसी रेडियस का डबल जो होता है वह व्यास होता है। अब देखिए पूरा टॉपिक मैंने बोला था ना, क्षेत्रमिति का पूरा टॉपिक फार्मूले पे चलता है। परिधि पूछते हैं, अब परिधि के, अच्छा व्यास क्या हो गया, मतलब देखिए अगर इसी लाइन को हम आगे तक बढ़ा दें यहाँ तक, तो यह पूरी दूरी, मान लीजिए हम क्यू लिख दें, तो ये जो पी क्यू दूरी है पूरी वह क्या होती है, यह पी क्यू दूरी व्यास को प्रदर्शित करती है। यह कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरे और परिधि के दोनों बिंदुओं को टच करती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यस, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो यहाँ पर आप व्यास पी क्यू को देख सकते हैं, और यह क्या होता है, यह रेडियस का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। मैं कहता हूँ कि अगर व्यास की बात करें तो 2r, और परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर, कंप्लीट एक चक्कर लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम परिधि की बात करते हैं तो परिधि का फार्मूला बनता है 2πr, और पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 22/7। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हर जगह फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू 22/7 या समटाइम 3.14 हम लोग यूज करते हैं, बट अगर कहीं नहीं दिया रहता है तो हम 22/7 यूज करते हैं। तीसरा जो चीज़ में होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये सब लोग जानते हैं, ऐसा इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। पाई आर क्षेत्रफल क्या होता है, वह जगह जो हमने यहाँ पर घेरा है। मैं ये कहता हूँ कि इन तीनों फार्मूलों को आप तीनों क्या, इन चारों बातों को आप एक साथ देखो। कौन सी चार बातें, पहली बात रेडियस, रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, रेडियस क्या है, आर है। व्यास क्या है, 2r है। परिधि क्या है, 2πr है। क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। जब मैं इन फार्मूलों को एक साथ देखता हूँ तो मुझे एक चीज देखना चाहिए कि क्या आर के चेंज होने से इन सब में प्रभाव पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब जगह आर यूज है। अब कितना प्रभाव पड़ेगा, यह बात जानने के लिए आर के पावर को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब हम व्यास की बात करते हैं या जब हम परिधि की बात करते हैं तो उसमें आर पर एक पावर है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उस पर आर पर दो पावर है। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ पे परसेंटेज चेंज उसके पावर के हिसाब से वेरिएट करता है, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे रेशियो के क्वेश्चन हो चाहे वह परसेंटेज के क्वेश्चन हो। यह मूलभूत बात है जो आप पहले ही सीख चुके होंगे। अब आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, इस 22/7 से कोई लेना देना नहीं है, इस पाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसके परसेंटेज चेंज को जानना चाहते हैं तो आर के पावर को देखिए। अब देखिए कितने अच्छे से आप यहाँ पर इन चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। आप ये कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए रेडियस में चेंज किया है 20%, अगर इसने कहा है क्वेश्चन ने कि हम 20% किसको चेंज कर रहे हैं, त्रिज्या को चेंज कर रहे हैं, तो जहां जहां आर होगा वहां कितना चेंज होगा, 20%, यानी व्यास का चेंज कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि परिधि का चेंज कितना हो जाएगा, 20%। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कहीं भी कोई जरूरत
ही नहीं, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब कॉन्सेप्ट के बेस पर दिया जा सकता था। मैं आपको यही तो शुरू से बताना चाहता था कि बच्चों जब आप कंपटीशन परीक्षा में बैठते हैं, जब आप झारखंड एसएससी की बात करते हैं, जब आपका ध्यान इन 20 क्वेश्चन पर है, जब हम फोकस हैं, तो हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के तरीकों को समझना पड़ेगा, पूछे गए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उनके बनाए गए तरीके पर टेक्निकल बात को समझ के तब एग्जाम में जाके बैठना पड़ेगा, तभी हम इस अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमने 20% यहाँ पर रेडियस को चेंज किया है, बढ़ाया है, तो इन दोनों में ऑटोमेटिक क्या होता है, 20% बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बात है तीसरी बात कि क्षेत्रफल में क्या होगा। तो क्षेत्रफल में यहाँ पर कई तरीके हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसमें एक दो तरीके पर मैं आपसे बात करता हूँ। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, जरा समझिए इस चीज़ को, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने आपको बताया था शुरू में, इस बात को समझिएगा, आप देखिए एक तरफ आप रेडियस को रखें, एक तरफ आप रेडियस स्क्वायर को रखें। रेडियस यानी कितना था, 20%। मैं आपको बताता हूँ, आप इस बात को समझिएगा, 20% का मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया भी था, 20% का मतलब होता है 1/5। जिन बच्चों को इसमें कहीं दिक्कत हो, ये ऐसे भी कह सकते हैं 20/100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/5 मिल जाएगा। बेसिकली यह एक चीज़ बताता है कि जब भी कोई चीज़ एक पावर में है ना, तो उसका चेंजिंग कैसा हो रहा है, 5 से कहां की तरफ जाएगा, 6 की तरफ। देखो ये नीचे कितना है, 5, ये ऊपर कितना है, 1। 5 से क्या करना है, 1 बढ़ाना है, अधिक हो रहा है ना, अधिक होगा तो 5 से 6 पे चले जाना। अगर ये कम करने की बात करते तो 5 से कहां पर जाते, 4 की तरफ जाते। तो आप इस बात को समझना बच्चे, हम यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर 5 से हम यहां 1 बढ़ा रहे हैं, मतलब हम 5 से 6 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर 2 पावर हो, तो इसका मतलब होता है जब आप कहीं पर 2 पावर वाली चीज के लिए करेंगे, तो यह बात 2 बार हो रही होगी, 5 से 6 फिर हो रहा होगा। ऐसे ही अगर किसी फार्मूले में, अब यहीं से लॉजिक डेवलप कर लो, अगर ऐसे ही किसी फार्मूले में 3 पावर आ जाए, तो उसमें यह घटना 3 बार होगी। समझ में आ रहा है, एक बार में एक ही बार होगा, 2 बार में 2 बार ही चीजें करनी है, 3 बार में 3 बार हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्या होगा, जरा इस बात को तुम समझ लो। देखो 5 × 5 कितना हो गया, 25, 6 × 6 कितना हो गया, 36। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि हम 25 की चीज को कहाँ पहुंचा रहे हैं, 36 पे पहुंचा रहे हैं। कब, जब हम 2 पावर की बात करते हैं, तो 25 से 36 जाने में देखो कितना हुआ, आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, बताइए ठीक से, आप ध्यान से देखिए कितना हुआ, 25 से 36 तो 11 का हुआ। तो आप कह सकते हैं सर इसमें 11 की वृद्धि हो रही है, कहाँ से वृद्धि हो रही है, 25 से हो रही है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकालते हैं जो बढ़ा कहाँ से बढ़ा, परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, 100 से। तो हम इसको 25 से ना 100 को कटा देंगे, 4 आ जाएगा, और 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44%। तो इस तरह से बच्चों आप यह जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किए थे, आप देखेंगे कि उसका मेंसुरेशन में भी यूज हो रहा है। जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि मैथ के टॉपिक जो होते हैं वह एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक चीज पढ़ना वह अंत तक पूरे आगे तक आपके काम में आएगा, यह बात हमें यहाँ पर पूरी तरह से समझनी चाहिए थी। तो मैंने वही बात आपको बताया कि आप यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है व्यास में कितना बढ़ा, तो आंसर 20%, परिधि में कितना बढ़ा, तो 20%। इस 2 से, इस 2 पाई से कुछ मतलब नहीं, इस पाई से कोई मतलब नहीं, आर का 1 पावर, आर का 1 पावर, आर का 2 पावर, मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास और भी फार्मूला है। देखो पहले क्वेश्चन में तो कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, दूसरे के लिए मैं एक तो आपको बताया कॉन्सेप्ट से, एक चीज यहां पर और बता देता हूं, इसमें एक फार्मूला यूज किया जाता है, आप देखिएगा वो मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस फार्मूले को यूज किया जाता है। अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं पहली बार भी और दूसरी बार भी, बी सी बढ़ेगा क्योंकि यहां पर आर में चेंजिंग हो रहा है, तो जो चेंजिंग है कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 100। आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 20 और 20 कितना, 40, और यहाँ पे आप इनको घटा सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4, 40 + 4 कितना हो जाएगा, 44%। तो यहाँ पर ये फार्मूला भी हमारे पास होता है, x + y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, चूँकि रेडियस की बात हो रही है तो एक्स डायमेंशन में भी एक्स डायमेंशन जो हॉरिजॉन्टल होता है ना उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है ना उसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। जब हम एरिया की बात करते हैं, आप इस बात को देखो, आप सर्कल के अगर एरिया की बात करते हो तो एरिया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल भी बढ़ता है और वर्टिकल भी बढ़ता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई अपॉन 100, और बढ़ कितना रहा है, 20% बढ़ा, तो 20 + 20 + 20 का 20% आप यहां से बता सकते थे। तो यहां पे आप फार्मूले से भी इस चीज को आप
कर सकते थे। इसमें एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, उससे भी आप कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीखते हो ना, तो उसका कितना आपको लाभ मिलता है। आप कहीं पर भी इस तरह से पावर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उसको बड़े आराम से बना सकते हो। यहीं पर बच्चे हमने आपको ये बात बताई, आपने इस बात को समझा अच्छी प्रकार से, ठीक है। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे क्लास में, फिर एक एक करके। थोड़ा सा हम बात अन्य सेक्शन पे भी कर लेते हैं, जैसे अभी 2-3 सेक्शन हमारा और बचा है। हमने अब तक आपको अर्थमेटिक और मेंस्ट्रुएशन जो इसके मेन सेक्शन थे, उससे मैंने आपको जोड़ दिया था। अब इसके बाद जो 3 सेक्शन है, जिसमें आप कहेंगे कि सर एक तो आप अलजेब्रा के बारे में बात करें, अलजेब्रा के बारे में बात करें, दूसरा आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें, और आखिरी जो सेक्शन हमारा है वह जियोमेट्री के बारे में है, जियोमेट्री के बारे में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणित, बीजगणित, बेसिकली बीजगणित क्या है जानते हैं? बीजगणित है फार्मूला, बीजगणित कुछ नहीं है, यह पूरा सूत्र है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस बार एक बात सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहते हैं सर 121 होता है। मैं आपसे पूछता हूँ 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहते हैं सर याद नहीं किया हूँ। फिर आप थोड़ा मेहनत करके बताएंगे सर इसका आंसर, कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, फिर आप कहेंगे सर इसका आंसर 1024 होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अलजेब्रा जो है ना भाई, यह अर्थमेटिक का मूल मंत्र है। बेसिकली सारा फार्मूला यहाँ पर छुपा हुआ होता है। और मैं एक चीज़ आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं अभी आपको केवल इतनी बात जरूर बता दूंगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम क्लास में तो सब चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई नो कि पूरी दुनिया इस फार्मूले को जानती है और आप भी जानते होंगे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैंने एक पैटर्न का विशेष ध्यान रखा है, ए का 2 पावर, फिर ए का 1 पावर, फिर यहाँ पर ए का 0 पावर। किसी भी संख्या पे 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए फिर उसको लिखा नहीं जाता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के दौरान मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे 32 का स्क्वायर पता करना है, तो आप क्या करोगे बच्चे? तो देखो इसमें ना डायरेक्ट इस फार्मूले से आप 32 के स्क्वायर को बता सकते हो, चाहे आपको याद हो चाहे नहीं हो। इसमें जो ए है ना यह पहली वैल्यू को और जो बी है ना यह दूसरी वैल्यू को बताती है। लेकिन इस फार्मूले को देखो, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए बी स्क्वायर। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है 2ab, और 2ab के लिए आप देखो यह पहली वैल्यू यह या बी, और जो पावर होता है ये हमेशा 2 ही होता है। तो मैं अगर 2ab करना होगा तो मैं इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, यानी 2 × 4 4 × 3 = 12, 12 × 2 यह कैरी जो 1 होगा, क्योंकि हर बार में एक अंक लिखना होता है, अगर कुछ बच जाएगा तो हम उसको कैरी कर देते हैं। और ए स्क्वायर है यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से हमने 32 का स्क्वायर 1024 निकाला। 32 का स्क्वायर निकालना अर्थमेटिक है, 32 से 32 का मल्टीप्लीकेशन अर्थमेटिक है, लेकिन ए प्लस बी यूज करके निकालना यह अलजेब्रा है। तो हम इस तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इस चीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने बताया आपको कि 32 का स्क्वायर 1024 कैसे है और क्यों है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ऐसे आप किसी भी नंबर लेकर, किसी भी नंबर को आप लेके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, आपसे कहता हूँ कि 53 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो बड़ा आसानी से निकालो, पहले 3 का निकालो, 3 का हो जाएगा 9, फिर एक बार इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो सबका, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, कितना हो गया 3 कैरी हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 कितना हो गया 28। अब मुझे लगता है कि यह आपने कहाँ से किया होगा, आपने इस पूरे फार्मूले से किया होगा। तो बेसिकली अलजेब्रा पूरा फार्मूले का गेम होता है, और आप देखेंगे जब आप अलजेब्रा सीख लेंगे तो अलजेब्रे की उपयोगिता पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको दिखेगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अलजेब्रा है प्लस रेशियो है। जिस चीज़ को हम साइन थीटा कहते हैं वो क्या होता है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को ही तो बताता है, P/H को ही तो बताता है। अब वापस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना हम लोग, मैं आपसे यहाँ पर आपको लेके आ गया, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ और आपसे मैं ये कहता हूँ कि साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, आप साइन थीटा में यही तो लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आप इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यही तो कहते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजों के अनुपात को प्रदर्शित करता है, और अनुपात कहाँ का टॉपिक है,
अर्थमेटिक का टॉपिक है। तो एक बार ना आप सिस्टम से इसको पढ़िएगा, फिर हम लोग इन चीजों को बात करेंगे। और इसके बाद अंतिम सेक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह ज्यामेट्री होता है। ज्यामेट्री का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है ज्या, और मेट्री का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। ज्या का मतलब होता है, जैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ज्या का मतलब होता है भू, जमीन की आकृतियों को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता है। यही चीज हम मेंसुरेशन में भी करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो मेंसुरेशन में आपने फार्मूले सब सीखे हैं ना, वह फार्मूला और यहां पर कुछ और चीजें हैं जो इस ज्योमेट्री को पूरी तरह से जो है मेजरमेंट को और अच्छे से क्या करता है, क्लियर करता है सारी चीजों को। और इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, मीन मोडियन सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पे सेंट्रॉयड है ना, कहाँ आर्थो सेंटर है, एक एक चीज पर हम लोग ना पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो रिलेशन को हम अन्य और तरीके से कैसे देख पाएंगे, ठीक है, मेंसुरेशन क्या कहता है, ज्योमेट्री क्या कहता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है। जब इन सारे डायमेंशन से आप पूरे मैथ को कनेक्ट करोगे ना, एक बार ना पूरा आप देखेंगे पूरा एक सर्कल बन जाएगा, एक कंप्लीट ना एक स्पीयर बन जाता है, ये पूरा मैथ अपने आप में एक स्पीयर, और एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को फिर मदद करना शुरू कर देता है। सो कभी भी आप ये मत सोचना कि मैथ का इस सेक्शन में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मजा आ रहा है या मेरे को ये चीज नहीं आ रही है ना, बेसिकली क्या होता है उस चीज को समझने के लिए कई बार क्या होता है, अगली चीज जब आप बहुत अच्छे समझेंगे तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ना ये पूरा एक साइकिल है और इस साइकिल को हमें और आपको मिलकर कंप्लीट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। झारखंड SSC से बहुत पुराना संबंध रहा है और आप लोगों के बीच ऑनलाइन माध्यम से सर पहली बार मुझे लेके आ रहे हैं और मैं सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ और क्योंकि बड़ा लगाव रहा जमशेदपुर में, बहुत दिनों तक हम रहे, अपने तैयारी के दौरान भी हम वहीं पर रहे, तो बहुत सारे हमारे वहाँ पे दोस्त हैं अभी वो लोग बहुत बड़े अफसर बन गए हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने पढ़ाने का संपर्क रहा है तो अभी भी फोन आता रहता है, रांची वाची तो बहुत बार हमारा आना जाना रहता है, पर्सनल गाइडेंस हम वहाँ पर बहुत बार बच्चों को दिए हैं। तो एक ना आप लोगों से ना अपना, जैसे आप कहीं ननिहाल किसी का हो तो कितना नाता होता है, तो आप जानते ही हैं कि मतलब घर से भी ज़्यादा बच्चा खुश कहाँ होता है ननिहाल में, और सब लोग मामा मामा सब वहीं पर रहते हैं, अब नाना जी तो रहे नहीं तो वहीं पे रहते हैं, तो आना जाना लगातार रहता है। और सर से बात भी हुई है अभी कि भाई ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग लगातार आएंगे और वहाँ पर क्लासेस रेगुलर चलेंगी, तो अगर कोई प्रॉब्लम डाउट भी रहेगा तो उस सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों से पूरा जुड़े रहेंगे, और वैसे भी जो है भाईचारा तो आप लोगों से रहेगा ही। तो हम लोग बच्चों यहीं पर अपने इस पहली वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्लास में आपके साथ में लगातार हूँ, एक एक वीडियो को ध्यान सुनिएगा, जो भी आपकी समस्याएं होंगी लगातार उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर वचनबद्ध हैं, हमारा टारगेट 20 क्वेश्चन, ठीक है। यही शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, जोहरा एजुकेशन पर फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है।